हाय, बहुत लोग आजकल एक सवाल लगातार पूछ रहे हैं मेरे से कि साहब किस कॉलेज में एडमिशन लें, क्योंकि देखिए इस समय एडमिशन का टाइम है, बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म्स निकल रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन्स हो रहे हैं, बहुत प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं, और कुछ लोग बाहर भी पढ़ने जाना चाहते हैं। तो ये सवाल मुझसे कई बार मेरे रिश्तेदार, मेरे कोलीग्स और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी लोग पूछते हैं। मेरा एक कुकिंग चैनल भी है जिसका नाम नाइफ एंड कैमरा है, वहाँ पर भी लोग पूछते हैं। मेरी देखिए एक बेसिक सलाह है जो मैंने अपनी लाइफ में अब तक सीखा, और ज़्यादा तो नहीं, लगभग 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है होटल इंडस्ट्री में, अभी तक टिका हुआ हूँ, अच्छी पोस्ट में हूँ, तो उसका जो निचोड़ मैं बता सकता हूँ आपको। देखिए मैंने एक बात तो मैं मानता हूँ कि प्रोफेशनल एजुकेशन में इंडिया में आज भी गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे हैं। अब इसमें अपवाद हो सकता है कि वो प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छा है उसके मुकाबले का वो एक्स कॉलेज नहीं है, फलाना कॉलेज बहुत अच्छा है उसके मुकाबले का कोई कॉलेज। देखिए हैंड पिक 10-15-20 कॉलेज अच्छे प्राइवेट हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर जैसे आप IHMs हैं, जितने भी IHMs हैं, आप किसी में भी आपका एडमिशन होता है ना। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, सपोज मैं काम करता हूँ ताज होटल में, और मैं वहाँ पे 5 साल काम किया, और मैं जब किसी और जगह जाता हूँ कोई मुझसे पूछता है कि आप लास्ट कहाँ काम करते थे, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं ताज में था। अब वो उसके बाद पूछेगा कौन से ताज में थे, मैं बोलूँगा ताज लखनऊ में था या ताज वाराणसी में था। मगर ताज इटसेल्फ इतना बड़ा ब्रांड है, कुछ और समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग मान के चलते हैं कि ये ताज में काम करके आया है तो इसको नॉलेज लेवल बहुत अच्छा होगा, ये ओबराइज में काम करके आया है ये नॉलेज लेवल बहुत काम अच्छा होगा। अब मान लीजिए एक बहुत अच्छा होटल है, स्टैंड अलोन होटल, यानी कि वो चेन नहीं है पर बहुत अच्छा होटल है, मान लीजिए हम उसका नाम रख देते हैं सी रॉक होटल, या उसका हम नाम चलिए ऐसा नाम रखते हैं जो किसी होटल का नाम नहीं हो सकता, हांडी होटल मान लीजिए। तो मान लीजिए ये हांडी होटल बहुत अच्छा होटल है, इस पर 100 कमरे हैं, 4 बैंक्वेट हॉल है, और बहुत ही अच्छा बिजनेस है इसका। अब मैं कहीं जॉब लेने जाता हूँ जो दूसरा शहर है, मैं वो पूछता है आप कहाँ काम करते थे, मैं बोलूँगा हांडी होटल, तो पूछेगा ये कौन सा होटल है भाई, ये कहाँ है। अब आप एक्सप्लेन करते करते मर जाओगे साहब कि मैं बहुत अच्छा होटल है साहब, ये है वो है फलाना है ढिकाना है। सेम कुछ ऐसे आगे भी होता है जब आप IHMs में पढ़ रहे होते हो ना, तो कुछ बताना नहीं पड़ता जब आप जॉब के इंटरव्यू में जाते हो, आप कहते हो कि साहब आई एम फ्रॉम IHM लखनऊ, आई एम फ्रॉम IHM दादर, आई एम फ्रॉम IHM हाजीपुर, बस काम हो जाता है। फिर वो पूछता है अच्छा वहां वो सर थे हैं, बिकॉज पॉसिबली वो भी एक IHM का ही होता है। आज भी इंडिया में जो टॉप के लोग हैं ज्यादातर IHMs के ही हैं। तो मैं तो एडवोकेट करूंगा कि अगर आपको पहला प्रेफरेंस में IHM मिल जाता है, आंख बंद करके कुछ मत सोचिए, चले जाइए। मगर ऐसी भी क्रीड है, ऐसे भी लोग हैं जिनको भैया हमको फैशनेबल कॉलेज चाहिए, मेरा कैंपस अल्ट्रा मॉडर्न हो, वहाँ दुनिया जहान की चीज़ें हों, और मेरे पैसा खर्च करने को तैयार हूँ मैं तो भाई। ऐसे लोगों के लिए भी ऐसे भी अच्छे कॉलेज हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, एक पूरी लिस्ट है ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस की जहाँ बहुत ही अच्छे हैं, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब देखिए प्राइवेट कॉलेज में कैटेगरीज हैं, कोई एक्स कॉलेज कुकरी के लिए अच्छा है, कोई वाई कॉलेज मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, कुछ जगह बहुत सारे कोर्सेज हैं, कुछ जगह कुछ लिमिटेड कोर्सेज हैं, इसके बारे में डिटेल में रिसर्च करनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं बता सकता हूँ। मगर इस समय जब एडमिशन का टाइम चल रहा है, आप IHM CTN का पेपर एग्जाम में बैठिए, कोशिश करिए कि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए। अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स मिला के काफ़ी हो चुके हैं, अगर आपको उसमें एडमिशन मिल जाता है बेझिझक आँख बंद करके उसमें चले जाइए और आपकी नैया पार हो जाएगी। यही मेरी सलाह है, आपको अच्छी लगे तो मान लीजिए, नहीं अच्छी लगे तो आपकी मर्जी। वैसे मेरा नाम शेफ रवि सावंत है और मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ जो होटल इंडस्ट्री के रिलेटेड हूँ। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा, क्योंकि आजकल बहुत लोग लेते भी हैं।